यानी वो भी तो कनेक्टेड है यहाँ पे। कोई गट चल यार। टुड़ू हटा दिया। हेलो हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो हेलो, मुझे तो आ ही रही है। क्या अरे इन लोगों को आ रही है? तू लाइव है? तो हाँ ठीक है भाई, फिर मैं जाता हूँ। अरे बाय। रुक जा ना, तू भी रह। चल ठीक है, फिर इन मैं लोगों को लव मेरी फ्रॉम आवाज़ आ होम। रही है क्या? देखियो एक बारी, मुझे तो आ रही है, अब इनको क्या फर्क पड़ता। ये कैसे रेजोल्यूशन भाई? तुम लोगों को रेजोल्यूशन की पड़ी है भाई? तुम देख रहे हो कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया हो भाई। इस बॉडी को तुम लोग क्या बोलोगे? स्लीपर बॉडी। अब ये देखो, वो तेरी इसको क्या बोलोगे भाई तुम? स्लीपर बिल्ड? बुलडोजर बिल्ड। अरे बहन की चू, ये देखो ये क्या है भाई? क्या लग रहा है तेरे को? और देख रहा है तू? जैसे लग रहा नकली हाथ है भाई, कोई पीछे तो नहीं। वो याद है वो वाला स्पॉन्ज बॉब वाला हाँ एपिसोड? ऐसा ही लग रहा है सही में। फोर आर्म्स है ही नहीं भाई। ओ भाई, ट्राई और अब देख सेप दिखाए कहाँ इसने। गए, वो कहाँ गए, कहाँ गए? ये है ही रहे नहीं भाई। भाई, देख ये रहे भाई। रहे हो, ये जिम वीडियो है। हाँ जिम वीडियो है भाई, रुक जा भाई, मैं एक बारी तेरे साथ डिस्कनेक्ट मारता हूँ। बाय। हाँ टुनू हो गया। ओए चल। रुक जाओ भाई, ये एस्पेक्ट रेशियो मेरे को अब अजीब लग रहा है यार। ये सही है? भाई मेरी बंदी मेरे को बोलती है मेरे साथ सेक्सुअल चीज़ें क्या करूं, क्या करूं? आप गुंतास बरार भाई, सबसे पहले तो आप अपनी बंदी को बोलो थैंक यू। ये सौभाग्य नहीं मिलता बहुत सारे लड़कों को। क्या फुल स्क्रीन करूं? ये लो भाई फुल स्क्रीन। यू नो व्हाट, कैसा चल रहा है भाइयों? कैसे हो आप लोग? बढ़िया है? कैसे हो भाई? क्या चल रहा है भाई? व्हाट्स अप मैन? भाई मैं वेट कट भाई मैं वेट लॉस पे हूं ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है आप लोगों को, बट ये देख रहे हो ये देख रहे हो ये है भाई, नकली क्या है इसमें भाई? तुम लोग ना बहुत गंदे हो यार। अब ठीक है? अब ठीक है? इज इट ऑल राइट नाउ? अब सही है? ठीक है भाई, अब सही लग रहा होगा आप लोगों को। अब देखते हैं। माँ की चू, बेकार। फोकस हो जा भाई प्लीज मेरे, प्लीज भाई मेरे। भाई ये साकनिक बंगाली बहुत बदबू मारता है, पूरे हॉस्टल का नाम बदनाम कर रखा है। कुछ सोल्यूशन दो प्लीज। रुद्र भाई, आप मुझे लग रहा है कि आप अपने दोस्त को जीने नहीं देना चाहते। आई जेन्युइनली फील, लेट हिम लिव मैन। भाई मेरी एक न्यू फीमेल फ्रेंड बनी है, वो लड़की मेरे बेस्ट फ्रेंड की क्रश है। ठीक है, एक आपकी न्यू फीमेल फ्रेंड है, वो आपके बेस्ट फ्रेंड की क्रश है। ठीक है, अब मेरा दोस्त एंग्री है बिकॉज ऑफ हर, एंड नाउ आफ्टर टॉकिंग मेनी डेज मेरी भी क्रश बन गई है वो लड़की। मैं क्या करूँ?
आपने ये सेम सवाल कल ऋषु से पूछा था, ऋषि का दिमाग फट गया था। ठीक है, तो ऐसा सीन है, लड़की एक है और दो लड़कों को उस पर क्रश है और वो आपकी दोस्त भी है। तो पहली चीज जो आप कर सकते हो वो इस्टेब्लिश कर सकते हो कि भाई देख, हम दोनों का उस पर क्रश है और वो अकेली है। दिस इज अ क्लासिकल क्लासिक मैक्सिकन स्टैंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है, जिसमें आप बंदूक एक अपने दोस्त की तरफ और एक बंदूक उस बंदी की तरफ। एंड एज द सेइंग गोज, दोनों बंदूकें उस बंदी पे कर दो। तो आई वुड से नहीं यार, लोग बोल रहे हैं कि उसको फील, किसी लड़की को थ्रीसम के लिए कन्विंस करना और उसमें आपका दोस्त भी है, आई डोंट नो मैन, इट्स अ बिट वियर्ड, क्योंकि करना मुश्किल है। माइक आ तो रही है आवाज, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाय एचक्यू भाई, कैसे हो? बढ़िया ही है भाई। हाँ, सीधा सीधा बोलो ना तुम लोगों को, यहाँ पे आज मैं आया हूँ लाइव, जो तुम्हारे को बोलना है। गाली बकनी है ऑल डे होमवर्क को, करो भाई करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ओ वेट, यहाँ पे कितने सारे लोगों को पता ही नहीं ऑल डे होमवर्क के बारे में, क्योंकि मेरी नॉर्मी ऑडियंस है, मेरी जितनी भी ऑडियंस है जिनको ऑल डे होमवर्क के बारे में नहीं पता। तो मैंने डैंक रिशु के साथ में एक ऑल डे होमवर्क नाम का एक स्केच निकाला है जो आप लोगों को पता भी नहीं होगा, तो आप जाके वो देखिए। ब्रो रिलेशनशिप में ही लेकिन बहुत लड़कियां होता है, बट नेवर एवर ब्रेकअप, इट्स स्वीट ना ब्रो। रिलेशनशिप में ही लेकिन ब्रो रिलेशनशिप में हूँ, आई की जगह यू होना चाहिए था, लेकिन बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, बट वी नेवर ब्रेकअप, इट्स स्वीट ना। नो इट्स नॉट, आई मीन यू ऑन द फ्लिप साइड, अगर ऐसी चीज़ है कि बार बार ब्रेकअप हो रहा है तो इट जस्ट मीन्स कि आप लोग ब्रेकअप को बहुत कैजुअली ले रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो इट्स नॉट स्वीट, यू बोथ हैव अटैचमेंट इश्यूज, जिसमें आप टूट जाओगे अगर आपको कोई छोड़ के चले जाएगा, विच इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप दोनों को ही एक दूसरे की इतनी जरूरत है कि आप दोनों कुछ कर लोगे। थॉट्स ऑन केजरीवाल अरेस्ट, आई हैव नो थॉट्स ऑन केजरीवाल बींग अरेस्टेड, आई कांट, आई जेन्युइनली डोंट। थैंक्स फॉर सजेशंस, मैं 17 का हूँ, पैसे तो आपकी हाईलाइट डाल के कमा रहा हूँ। आई नो राइट, कोई दिक्कत नहीं है ब्रो। हाउ टू लर्न मिमिक ऑन एवरी वन, जब भी आपसे कोई बात करता है ना, जैसी वो बात खत्म करता है रिपीट करा करो जो वो बोल रहा है उसको, बस आड़ी टेढ़ी आवाज़ में। एंड वन डे थ्रू हिट एंड ट्रायल आप उसकी आवाज़ क्रैक कर लोगे, इट वर्क्स। क्योंकि पॉइंट ना ये नहीं होता कि आपको किसी की आवाज़ निकालनी है, पॉइंट ये होता है कि आपको उस बंदे के अंदर घुसना है फिर उसकी आवाज़ निकालनी है। पहले आप उस बंदे के अंदर घुसो फिर उसकी आवाज़ निकालो, ऐसी आवाज़ निकालो उसकी कि वो सोचो, सपोज करो इस सिचुएशन में वो चिल्ला दे, ऐसे बंदे में घुसो कि मतलब उसकी आवाज़ निकले। कैसे घुसें? आई थिंक यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। क्या क्या घुसाऊं भाई, क्या घुस पता नहीं ब्रो। मेरे को लगता है कि अगर आप घुस सकते हो बंदे में तो फिर लाइक एन एक्टर, एक एक्टर कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं इस बंदे में नहीं घुस सकता, वो कभी अपने ईमान को आगे नहीं रखता। एक एक्टर हमेशा हर प्रोड्यूसर के लिए किसी ना तो वो हर एक्टर अपने अंदर एक प्रोड्यूसर को घुसवाता है,
जिससे कि वो ये समझ पाए कि ये रोल वो कर सकता है या नहीं। एक डायरेक्टर एक एक्टर में घुसता है पहले, फिर वो उस कैरेक्टर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, फिर जाके उसको समझ में आता है कि कैरेक्टर है क्या। एग्जैक्टली मैन, लाइक ब्रेकअप इज नॉट कैजुअल बट वी आर ऑलवेज ऑन दी एट दी एज ऑफ इट। अगर तुम लोग बस एज तक आ रहे हो, एजिंग कर रहे हो ब्रेकअप को लेके, फिर तो तुम्हारा रिलेशनशिप आई थिंक इज नॉट गोना वर्क। बोर्ड्स के लिए टिप्स दे भाई, नहीं दे रहा। फेल कर लो, खराब नंबर ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप भी तमिल विलेन जैसा एक्ट करो, पोड़ा डिक्टेटर डैडी के जैसे। क्यों, उसने जो करा खराब था क्या, मैं क्यों करूं? फेवरेट फॉरेन हिप हॉप आर्टिस्ट कौन कौन है आपके? मेरे फेवरेट हिप हॉप आर्टिस्ट हैं फिर बप्पा, धनजी, उद्भव, इक्का, बादशाह भाई, फॉरेन बोला वो तो ठीक है, नेपाल में जाके सुन लूंगा इनके गाने। आपको ये जोक अच्छा नहीं लगा? जोक अच्छा नहीं लगा ना आपको ये? नहीं लगा ना आपको ये जोक अच्छा? मैं अपने राइटर से बात कर रहा हूँ जो मेरे लिए जोक्स लिखता है। एक बारी आपको अच्छा नहीं लगा ना ये जोक? हेलो हेलो हेलो, थोड़ा जोर से बोल भाई। हेलो हाँ भाई, अभी मैंने वो जोक इन्हें सुनाया जो तूने कल मेरे लिए लिखा था। मैंने कौन सा जोक? वही वाला कि अगर अगर इन लोगों ने मेरे से अगर पूछा कि आपका फेवरेट फॉरेन हिप हॉप आर्टिस्ट कौन है, मैंने बप्पा, धनजी, उद्भव, करुण, बादशाह भाई और इक्का का नाम लिया, तो ये बोलते कि फॉरेन फॉरेन वाला हिप हॉप रैपर चाहिए। अच्छा। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेपाल जाके सुन लूंगा इनको। तो तूने बिल्कुल सही बोला भाई, बट इन लोगों को बिल्कुल हंसी नहीं आई। ये लोग क्या लिख रहे हैं? ये लोग एल जोक बोल रहे हैं आरू। अरे इन सब की माँ की क्यूट भाई, इनको कुछ नहीं आता। अरे कैसे बोल रहा भाई, मेरी ऑडियंस है यार, इन लोगों को जोक्स चाहिए आरू। तो ये क्या जोक बना के दे रहा है यार मुझे? एक जोक सुनाता हूँ। एक दिन संता बनता आइसक्रीम खा रहे थे। यार अभी मोमेंट नहीं है यार, अगर ये जोक वाली बात होती तो तू कल लिखता ना मेरे लिए ढंग से। ये क्या जोक लिख के दिया है तूने मुझे? तूने डिलीवरी नहीं करी अच्छे से। मैंने डिलीवरी अच्छे से नहीं करी है भाई? मेरे को 6,000 लोग देख रहे थे जोक को डिलीवर करते हुए, किसी ने डिलीवरी की बात नहीं बोली, लोगों ने बोला जोक खराब है। जोक खराब बोला? हाँ। तो क्या करूं, तेरी सैलरी काटू, क्या करूं आगे, कैसे मूव फॉरवर्ड करना भाई? तू मेरा राइटर है, मैं तेरे को पर जोक के हिसाब से पैसे देता हूं भाई, तू कैसे मेरी सैलरी काटेगा? तू मुझे पैसे देता है तो औकात में लागा, समझा? कितने लोग देख रहे हैं, 6,500, सबको बता दो उसको सैलरी देता हूं मैं पर जोक लिखने की। तू मुझे सैलरी देता है, तू कहना चाहता है तू मुझे सैलरी देता है जोक जोक बोलने की जो तू मुझे देता है लिख के? दिस डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ हैविंग अ राइटर्स रूम यार। तू क्या चाहता है, तू गरीबी में मर जाए, तू ये चाह रहा है? गरीबी में भाई आरू मेरी बात सुन, आरू मेरी बात सुन, आरू आरू पहले तो जो कल मैंने तेरे घर पे चेयर भिजवाई थी और वो जो टेबल भिजवाई थी वो वापस कर, क्योंकि तूने बोला था जोक्स लिखने के पास मेरे पास साधन नहीं है। और उसके बाद जो कॉपी और पेन भेजा था, मैंने पैसे दिए उसके? नहीं 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 दिए, तूने कुछ नहीं दिया है, तूने कुछ भी नहीं दिया है आरू। तूने एक जोक दिया था मुझे, वो भी नहीं फटा। मैंने बिटकॉइन में खरीदे, तूने अपना वो वॉलेट? अरे
अबे भाई तू यार, तू बहानेबाजी बंद कर भाई। आरू, मैं तेरे को बस एक चीज बोल रहा हूं कि भाई मेरी स्ट्रीम होती है, अच्छे जोक्स लिखने में कोई दिक्कत है? चल नेक्स्ट टाइम लिख दूंगा। यही सुनना था भाई, बस यही तो सुनना था मुझे। तू बकचोदी कर रहा है, मुझे क्या पता, बस यही कर रहा है। मैं बकचोदी कर रहा हूं? तेरे को लगता है जो पैसे कमा रहा हूं मैं, ये बकचोदी से आ रहे हैं? नहीं, तू बड़ी मेहनत कर रहा है, मेरे जोक जाके सुना रहा है, बड़ी मेहनत कर रहा है। भाई तो आरू मुझे बोल देता कि भाई ये स्ट्रीम पे ये वाला जोक मत मारना, क्योंकि मैंने एक चीज तो देखी है, तू जयेश को जो जोक्स देता है उस पे लोग हंसते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका यही मतलब है, तू जाके सीख के आ जा, पूछ के आ, समझा? यानी तो मुझे भी एल लिखने लगे, तू कॉल काट यार, मेरी भी तू यार खराब कर रहा। नहीं भाई, दिस इज नॉट डन भाई। मैं आज आज एक पूरी की पूरी राइटर्स रूम वाली मीटिंग होगी। आई कांट डू दिस एनी मोर, कांट डू दिस एनी मोर। यार वी आर फकिंग प्रोफेशनल्स, वी आर सपोज टू बी फकिंग प्रोफेशनल। कह रहा मुझे पैसे दे रहा है। यू शुड हैव एंगेज्ड मोर इन मुंबई स्क्रीनिंग एंड ऑल्सो बी बेटर ना। आई रियली लव यू। थैंक यू यार जया, आई रियली नीडेड दैट वन। अर्पित से दैट यू लव मी फॉर 200 रुपीज़। आई लव यू पिंक मैन। यार ऐसे मत बोलो ब्रो, लाइक वी आर टू मच इन टू इच अदर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, जोक वॉज फनी ब्रो। पहले बोलते हंस देते थोड़ा। तुम लोगों ने भाई अब करा दिया मेरा लफड़ा आरू के साथ में। सही है भाई, तुम लोगों का तो यही है अब। फ्लेक्स बाइसेप, आप लोगों को मेरी बाइसेप्स देखनी है? अरे तुम लोग ना मेरे को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हो। तुम लोगों को लगता है बॉडी बनाना बहुत आसान है। अर्पित की कैसे ही बनेगी, 32 का डोला। अब देख लेना कल तक आ जाएगा। ये बंदा लेता है सिंथॉल स्टेरॉइड्स। मैंने आज तक लिया नहीं है। हेलो सार यू, थैंक यू फॉर 100 रुपीज़। गेमिंग वीडियोस क्यों नहीं डालता तू? क्योंकि मेरे को गेमिंग करनी नहीं आती। अगर आप लोगों ने मेरे को गेमिंग करते हुए देख लिया तो आप मुझसे बोलोगे यार प्लीज़ मेरे को दे दे, मेरे को खेलना है। भाई मत खेल ऐसे, जैसे नहीं होते छोटे बच्चों को आप ऐसे GTA दे देते और वो जैसे गाड़ी चलाते हैं आपका। लाइट चली गई, बंद कर दिया फिर। नहीं, लाइट चली गई है भाई। स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्या सोचता है? भाई हाउ टू लिव लाइफ टेंशन फ्री लाइक यू? आई रियली नीड दिस एडवाइस, नॉट जोकिंग भाई। सच में बता दो आप लोगों को मेरे से टेंशन फ्री लाइफ। मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, ठीक है? मैं आप लोगों के पास में आता हूँ लाइव करने के लिए सिर्फ और सिर्फ महीने में 3 या 4 बार, 1-1 घंटे के लिए। तो 4 घंटे में आप लोग मेरे को ऐसे देखते हो जिंदगी में। उसके पीछे क्या चल रहा है आप लोगों को कुछ नहीं पता। ऑल ऑफ दिस दिस
दिस इज एन एक्ट फ्यूल्ड बाय सब्सटेंसेस निकोटीन एडिक्शन एंड दिस नीड ऑफ अप्रूवल बाय अदर्स. और कुछ नहीं है, बहुत खोखलापन है इसमें. ठीक है, जैसे ये कैमरा बंद होता है, लाइव स्ट्रीम बंद होती है, मैं सोने जाता हूँ ना, मुझे हर रोज लगता है व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ. बट हियर्स द थिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि आज एक लाइव स्ट्रीम अच्छी चली गई तो इट वुड बी नाइस. ठीक है, आज हम अपने साथ नहीं करेंगे, हमेशा ये लगता है. कभी कभार मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं एक फायरिंग स्क्वाड को हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ. बट हियर्स द थिंग मैन, इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट स्वैग. चाहे कुछ भी हो जाए, आप पे लोग अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं, आपको लोग एक से एक गाली दे रहे हैं, स्वैग होना चाहिए. एंड नॉट गोना लाई, हॉलिडे होमवर्क जैसे ही आया था, जितनी गालियां पड़ी थी, तीन चार दिन तक मेरा स्वैग चुच चुका था मेरा स्वैग. मुझे गुस्सा क्रिटिसिज्म पे नहीं आ रहा था, मुझे गुस्सा हेट पे नहीं आ रहा था, मुझे गुस्सा उन लोगों पे आ रहा था जिन्होंने टिकट ली थी और देखने आए थे और एक बार भी हमारे को मुंह पे नहीं बोला कि भाई इसको प्लीज अपलोड मत करना. मुझे गुस्सा उन लोगों पे आया जो लोग मेरे पास आए और बोला दिस इज वेरी नाइस. मुझे गुस्सा उन लोगों पे आया जिन्होंने मुझे झूठे दिलासे दिए. बहुत गुस्सा आया मुझे. बट उसके बाद यू नो लाइफ गोज ऑन. आप थोड़े बहुत नशे करते हो, दारू पीते हो, आपकी आंखें खुलती है, आप गटर के सामने पड़े हुए हो, साइड में पड़े हुए हो, व्हाई डज इट इवन मैटर. आप उठते हो, अपने पैर साफ साफ करते हो, घर जाते हो, एंड इट्स जस्ट अनदर डे एट द जॉब. एंड दैट्स ऑल मैन, दैट्स ऑल देयर इज टू इट. आई डोंट लिव लाइफ टेंशन फ्री. इनफैक्ट आप कभी मेरे दोस्तों से पूछोगे तो अब वो आपको बताएंगे कि अर्पित इज एक्चुअली लिविंग डुअल लाइव्स. एक जो वो YouTube पे दिखाता है और एक जो उसने अपने घर वालों से झूठ बोल के एक औरत के साथ में साइड में जो एक घर बना रखा है जो गुड़गांव रहती है, उसका एक बच्चा है. वो बच्चा मेरी वीडियोस देखता है. आपको पता है मुझे कितना बुरा लगता है कि मेरा एक बच्चा है जो मेरी वीडियोस देखता है. He's just three. उसके पहले वर्ड्स पापा मम्मी नहीं थे, उसके पहले वर्ड्स पता है क्या थे? ये थे उसके पहले वर्ड्स. आपको पता है मेरे को कितना बुरा लगता है कि मेरी वाइफ मेरे से सीधे मुंह कभी बात नहीं करती, क्योंकि उल्टे मुंह वो कैरी मिनाटी से बात कर रही है. ये है मेरी असलियत. ये जोक अच्छा लगा आप लोगों को? ये जोक अच्छा था? अच्छा था ना ये वाला जोक? हेलो आरू, जो तूने कल मेरे को दूसरा जोक दिया था ना, यार वो वाला जोक जिसमें तूने ये बोला था कि मेरी एक और लाइफ है जिसके अंदर मेरी एक बीवी है जो गुड़गांव में रहती है मेरे एक छोटे से बच्चे के साथ में, जिसका पहला वर्ड है पापा मम्मी है ये सब है. भाई ये वाला जोक इनको बहुत अच्छा लगा. हाँ तो मैं ये बोलूंगा आरू, आरू आरू मैं ये बोलूंगा कि ऐसे जोक्स और बना. दिस इज व्हाट आई वांट. अरे यार नौकरी वोकरी सब जाता है भाड़ में भाई. हमारा मेन एम पैसा कमाना नहीं है, हमारा है मेन एम कि हम दुनिया को कुछ ऐसा दें जो उन्होंने पहले नहीं देखा. अच्छा है ना, मतलब आर्ट आर्ट बिफोर ब्रोज. ठीक है ना, मतलब हाँ ये वाला जोक लिख दियो. और हाँ सुन, वो जो चेयर और टेबल मैंने भिजवाई थी ना वो अभी रख ले अपने पास. ठीक है, उसके पैसे तू रिफंड कर रहा है? नहीं रिफंड नहीं कर रहा हूँ. तू रख ले अपने पास,
नेक्स्ट स्ट्रीम के लिए मतलब और 3-4 जोक्स लिखते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है भाई, ये वाली स्ट्रीम बहुत अच्छी चाह रही है भाई, अब यही चाहिए था भाई मुझे आरू। ठीक है चलो, किसका भाई? पैसे वैसे तो आते जाते रहेंगे यार, मेरे हिसाब से तो मतलब मेन गोल हमारा ये है कि इनको कुछ अच्छा देखने को मिले। नहीं मैंने वो तो कहा नहीं, मेरे को लगता है कि जिसने मेहनत करी उसको तो मिलने चाहिए, तो फिर मेरे को तो लगता है कि ठीक है अब चलो। मुझे आवाज नहीं आ रही है कि सेवा जो है से बाद में कॉल करें। ठीक है भाई, हे भाई, इट वॉज नाइस मीटिंग यू इन गुड़गांव वाइल हॉलिडे होमवर्क स्क्रीनिंग, वी टॉक्ट अबाउट स्नीकर्स एंड ऑल द फर्स्ट 3 सेगमेंट्स ऑफ द स्क्रीनिंग, बट वॉच आई टी। थैंक्स भाई। सी डी सी, यस यस। अरविंद भाई, एक साल पहले एक लड़की को पसंद आया था, बट शी नाउ हैज़ अ बॉयफ्रेंड एंड आई डिड नॉट नो दैट टाइम, आई स्टॉप टॉकिंग टू हर, नाउ शी इज़ माई टाउन, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू थिंक अबाउट हर, क्या करूँ? रामनंदा भाई, मैं आपसे ये चीज़ बोलूँगा कि अगर आपने ढंग से अभी तक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश नहीं किया है एंड जस्ट बिकॉज वो आपके पास पास है, तो मुझे लगता है दी थिंग दैट यू कैन डू इज जस्ट लाइक यू नो शो अप रैंडमली। एक मिनट रुक जाओ, मैं ना इसको सटायर में बोलता हूँ जिससे आप लोगों को लगेगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। आप उसके पास पहुँच जाओ, ठीक है, उसके घर में, उसके घर के आसपास पहुँच जाओ, और मुझे लगता है कि आप क्या कर सकते हो, आप उससे बोलो कि हेलो यू नो आई नो फॉर अ फैक्ट दैट यू डोंट लाइक हिम एनी मोर, दैट्स वाई यू नो यू रनिंग, यू गोइंग थ्रू सिटी टू सिटी, एंड आई एम जस्ट लाइक यू नो आई आई जस्ट वांट टू सी दैट इफ यू आर जस्ट लाइक यू नो इफ यू वांट टू मीट चिल, आई लिव हियर ओनली, या एक्चुअली राइट बाय, यहीं पर ही, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। हाँ मैं साइकिल पे आया हूँ, और साइकिल दिखाओ, उस पर पूरी चेन उतरी हुई है, टायर फटा हुआ है। बोलती तुम यहाँ पे कैसे आए? एक्चुअली आई कंज्यूम अ लॉट ऑफ नकल हेड वॉरियर। पहली चीज, होल्ड अप, मेरे को इसके बारे में भी बात करनी है। आपने देखा होगा एक बंदा है नकल हेड वॉरियर करके, बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, और उसकी एक वीडियो भी आई थी यूट्यूब पे जिसके अंदर उसने 2 लड़कों से लड़ाई करी थी जिम में, वो वीडियो बड़ी अच्छी लगी थी मेरे को, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, एंड मैंने उस वीडियो को देख के उस बंदे को फॉलो किया था क्योंकि आई फाउंड दैट गाय रियली कूल, लाइक रियली कूल। और उस बंदे का मेरे को मैसेज आया, कहता कि अर्पित भाई आपने मेरे को फॉलो किया, आप मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो क्या, इसलिए किया क्या आपने, आयरॉनिकली फॉलो किया? तो मैं आज अपनी ऑडियंस को ये मुंह से बोल रहा हूँ ब्रो कि ऐसा कुछ नहीं है, आई फाइंड द गाय रियली कूल, कि अगर कोई बंदा इतनी ज़्यादा मेहनत कर सकता है एक दिन में, आई हैव टू रिस्पेक्ट दैट मैन। कॉल कैरी, नहीं कैरी का इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने राइटर को कॉल कर रहा हूँ जिसने मेरे लिए जोक्स लिखे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल कैरी, व्हाट द फक। रुको भाई, तुझे तो पता ही होगा। हाँ मुझे पता है, या आई नो ब्रिटिशर्स ने रखा था उन्होंने। भाई व्हाट्स योर ड्रीम टारगेट ऑडियंस? माय ड्रीम टारगेट ऑडियंस इज बेसिकली इंडियन डूड्स हु कमेंट नाइस पिक बेब एआई जनरेटेड इमेजेस के नीचे। अगर कोई ऐसी फोटो है ना जिसके अंदर कोई ग्रीक पेंटिंग है एंड देयर इज दिस लाइक वुमन हु इज नेकेड, उसके नीचे जो इंडियन और पाकिस्तानी लड़के जाके बोलते हैं ना, ओ बेबी नाइस बूब्स, व्हाट इज योर फोन नंबर, दैट इज माय ड्रीम टारगेट ऑडियंस। वो गलीच नहीं है, आई थिंक दे आर रियली, आई थिंक इम्प्रेशनेबल। ऐसे लोगों को मुझे गैम्बलिंग एप्स देनी है, ऐसी चीज़ें देनी है जिनमें वो थोड़े बिजी रहें। गैम्बलिंग एप्स देनी है ऐसे लड़कों को मुझे, ऐसे लड़कों को मुझे, मेरे को कुछ भी, इन ऐसे लड़कों को मेरे को बहकाने में ना ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, बस उनको ये बोलना है गिव मी
₹500 एंड आई विल शो यू वन पिक्चर ऑफ बूब्स, दैट्स ऑल। आपको पता है कितना सेफ, कितनी सेफ इन्वेस्टमेंट है ये? नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं, कितना सेफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ये? इंडिया में इतने टर्की लड़के हैं, पाकिस्तान में इतने टर्की लड़के हैं कि आप उन सारे लड़कों को गूगल इमेजेस से फोटोज़ भेज सकते हो ये बोल के प्लीज़ सेंड फर्स्ट ₹500 एंड शो स्क्रीन शॉट देन ओनली आई विल गिव फोटो। आई थिंक ये अच्छा है, दिस इज़ अ गुड वे टू लाइक यू नो यूज़ रिसोर्सेज, एंड इससे क्या होगा इकोनॉमी में पैसा बनता रहेगा, चलता रहेगा। भाई ये ले हॉलिडे होमवर्क, देखा मज़ा आ गया। टेक्निकलिटी ऑफ स्किट कॉमेडी वॉज ऑन पॉइंट, पर मुझे लगा सिचुएशन को लेके परस्पेक्टिव थोड़ा और डिटेल्ड हो सकता था। थैंक यू, आपने मेरे को ₹200 दिए बट आपको अपना ओपिनियन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आपको लगता है मैं ऑनलाइन आता हूँ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेने के लिए? नहीं, मैं ऑनलाइन आता हूँ एक पेज रन करने के लिए जहाँ पे मैं एआई जनरेटेड फोटोज डालता हूँ लड़कियों की निप स्लिप के साथ, जिसके अंदर मैं नॉर्मल लड़कियों की फोटोज लेता हूँ और उनको मॉर्फ करता हूँ, निपल्स बनाता हूँ उनके ब्लाउज के ऊपर, पता चलता है कि नकली हैं, और फिर उस पर लिखता हूँ DM 500 फॉर फुल पिक्स, और उससे मैं पैसे कमाता हूँ। इन सब चीज़ों के लिए मैं इंटरनेट पे नहीं आता हूँ, ये जो मैं कर रहा हूँ ये सब साइड बिजनेस है ब्रो, ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ दिस इज ऑल मार्केटिंग। मैं तुम लोगों को मैट्रिक्स से एस्केप करने के रूट्स बता रहा हूँ, ये राउट लोगे तो तुम मैट्रिक्स से बच सकते हो। ये हसल मेंटालिटी ये होती है। देखो क्या भाई मार्केट को सबसे ज़्यादा नीड किसकी है? डिस्टॉर्टेड मॉर्फ्ड फोटोज, जिसको देख के लगता है कि ये नकली हैं बट दे हैव टिडीज। रुक जाओ एक मिनट यार, मुझे लगता है अगर आप लोगों को पैसे बनाने हैं, सही में कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को पैसे बनाने हैं तो कैसे बनाओगे आप? ये समझो कि मार्केट को क्या चाहिए, मार्केट को चाहिए बोबे, मार्केट को चाहिए बहुत सारे बोबे, एंड द ओनली वे यू कैन डू दैट इज बाय फॉलोइंग व्हाट आई हैव डन। मैं अपनी मेंबरशिप ऑन करने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, हम लोग मिलके एक बहुत ही बड़ा इंस्टाग्राम का पेज बनाने वाले हैं। मैं चाहता हूँ कि हम उस पेज पे हर दूसरे दिन ऐसी नकली डिस्टॉर्टेड मॉर्फ्ड फोटोज लेकर आए, पूरा मार्केट खा सकते हैं अगर हम चाहें। भाई मेरे फ्रेंड की मॉम ने मुझे उसके बेड पे मास्टरबेट करते हुए देख लिया, एंड आई सेड आई एम बिगर देन हर हबी, आई आस्क्ड टू लैंड हर फॉर 1 आवर, क्या करूँ? अंकित भाई मैं एक ऐसा पेज चलाता हूँ जहाँ पे आप जैसे लड़के बूब्स और एस की फ़ोटोज़ देने के लिए पैसे दे सकते हैं। अभी आप मेरे को यहाँ पे सुपर चैट कर रहे हो, मेरे पास पूरे ₹449 नहीं आएंगे क्योंकि मैट्रिक्स वाला जो यूट्यूब है इससे थोड़ा सा कट ले लेगा। आपको मैं अच्छी खासी फ़ोटोज़ दे सकता हूँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ। आवाज़ नहीं आ रही मेरी, एक दोस्त है नोवीस यो बोल रहा है मुझे गांड में फोड़ा हो गया है, सॉरी आई डोंट स्पीक ब्रोक। भाई आई हैव अ क्रश ऑन माई स्कूल फ्रेंड फ्रॉम 8 years, शी वॉज बींग आस्ड बाय गुड लुकिंग गाय, सो आई थॉट आई डोंट हैव अ चांस, नाउ हाउ डू आई अप्रोच हर? जेन्युइन एडवाइस। तो आपको मैं एक जेन्युइन आंसर भी देता हूँ क्योंकि आपने ₹100 दे के ये सोचा कि आप ₹100 में एक जेन्युइन आंसर्स चाहते हैं। तो भाई मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आप उसको जब भी नेक्स्ट टाइम मिलते हो एंड एवरीथिंग, ट्राई टू
आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट अगर आप थैंक यू फॉर 100 रुपीज़, अर्पित तेरे ऐसे दोस्त हैं जिसको तू अपने साथ हमेशा रखना चाहता था बट वो आज तेरे साथ नहीं है। हैं ऐसे कुछ दोस्त जिनको मैं अपने साथ हमेशा रखना चाहता था, बट आई गेस आई वॉज टू ओल्ड फॉर देम। अर्पित आई लव यू, आई स्पेंट 1,000 जस्ट टू हियर दिस शिट फ्रॉम यू, नाउ से इट आउट लाउड। पहली चीज़ आपने अप्रित आई लव यू लिखा है, तो आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग टू। अरे यार मेरी स्ट्रीम चुद गई क्या? यस सर। जिस तरह तेरा साला के होली फकिंग शिट मैन, इंटरनेट गया क्या? यस सर। डैम डोंट डू दिस टू मी मैन। होल्ड अप। या मैं आ गया क्या वापस? एम आई बैक? एम आई बैक? एम आई बैक? सुनाई दे रहा है। वी बैक, वी बैक, वी बैक। भाई आईपीएल में किसको सपोर्ट करोगे? मैं आईपीएल में उसको सपोर्ट करूंगा जो फाइनल्स जीतेगा। मैं लास्ट बॉल पे सारे के सारे पैसे उस टीम पे लगा दूंगा। लास्ट बॉल पे मैं पैसे नहीं लगाऊंगा, मैं इन्वेस्ट करूंगा सारे के सारे पैसे। इन्वेस्ट करूंगा उस बंदे पे, उस टीम पे जिसके रन ज़्यादा होंगे। एंड रही बात गैम्बलिंग को इन्वेस्टमेंट अगर बोल रहे हैं लोग आजकल, तो आई हैव टू से समथिंग मैन। हाउ अबाउट म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट को लेकर आए हम गैम्बलिंग में? इंडिया में बहुत सारे ऐसे जुआरी बैठे हुए हैं जो कर्जे पे हैं, उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं। हम क्या करते हैं, थोड़े थोड़े पैसे, बहुत सारे थोड़े थोड़े पैसे इन सारे जुआरियों को देते हैं जो आपके बिहाफ पे खेलेंगे। ठीक है, बहुत सारे जुआरियों को अलग अलग स्पोर्ट पे थोड़े थोड़े पैसे देते हैं, और वो क्योंकि थोड़े थोड़े पैसे और हर जगह हैं, तो इतने सारे लोग अगर आपके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुछ रिटर्न्स आएंगे। एंड ये नहीं है कि आपको आज ही सारे पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि गेम है, हार जीत तो चलती रहेगी, बट विद टाइम आपके पैसे धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे। हर्षरण सिंह कह रहे हैं कीप अप द गुड वर्क मेरे भाई। हर्षरण भाई आप जैसे लोगों की वजह से मैं अपनी थेरेपी मिस कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोगों की वजह से मुझे ये लगा। थैंक यू सो मच हर्षरण भाई, थैंक यू फॉर इनेबलिंग अ रिटार्ड। अर्पित भाई परसों अकाउंट्स का एग्जाम है, टिप्स दे दो। परसों है ना, कल पढ़ लेना भाई। पहले मैं बहुत स्किनी था, सब मजाक उड़ाते थे, अब मेरी चेस्ट स्कूल की सारी लड़कियों से बड़ी है। आप 7th क्लास में हो? शुड आई टेक माई लाइफ टुडे और टुमारो? जेन्युइन क्वेश्चन सेज यश। 100 रुपये देके मुझे बोल रहा है ये। 100 रुपये देके आप मेरे से जेन्युइन आंसर्स चाहते हो? यू शुड किल योर सेल्फ मैन।
₹100 दे के आप लोग मेरे से जेन्युइन आंसर्स मांगते हो। यू शुड किल योर सेल्फ मैन, यू शुड किल योर सेल्फ। प्लीज डोंट ट्राई नॉट टू। भाई क्या होगा अगर आपको आईपीएल में कमेंट्री करने का मौका मिले, कैसी लाइंस बोलोगे? भाई अगर मेरे को आईपीएल पे मौका मिलेगा तो मैं हर 5 मिनट में बोलूंगा, अगर मैं होता मैं इन पे अभी के अभी 10 लाख लगा देता, ये रहा प्रोबो का मेरा अकाउंट, अभी जाके कमेंट करके इन्वेस्ट करिए, मेरा कोड यूज करिए जिससे 20% मुझे मिले। मैं ऐसे यूज करता आईपीएल की कॉमेंट्री को। आई थिंक दैट्स अ गुड फाइनेंशियल डिसीजन। और मैं ओए हाँ, आज गर्व तनेजा AKA चार दीवारी का एक नया गाना है ठहरा, जा सारे के सारे जाके भाई आज सुनेंगे वो गाना, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं। चार दीवारी का एक नया गाना है ठहरा, वो जाके सुनो और चार दीवारी को मैसेज कर देना कि अर्पित ने बोला था ये गाना सुनने को। बिग गया है अर्पित। ठहरा ठहरा चार दीवारी का नया गाना है, नहीं सुनना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मत सुनना फिर। मैंने तो अपना काम कर दिया भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया भाई। गर्व अगर लोगों को नहीं सुनना तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने लोगों को बोला कि भाई अच्छा प्रोजेक्ट है ये वो, तुम देखना, बट भाई अगर लोग देखना ही नहीं चाहते तो फिर मैं क्या बोलूँ कि लोगों को चार दीवारी का ठहरा सुनना ही नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? जो उसने आज रिलीज़ किया है सबसे बढ़िया गाना, जो स्पीडी सुई ने अभी मेरी चैट पे लिखा है, जिसको मैंने अपनी चैट पे पिन कर दिया है, अगर ये लोगों को नहीं सुनना तो अब मैं क्या करूँ भाई? भाई ये वाला जो गाना है ना भाई, ये जो मैंने अपनी मैसेज पे पिन चैट बॉक्स में पिन कर रहा है, इसको प्लीज़ मत सुनना, मत सुनो भाई। ये गाना थोड़ा अजीब है ब्रो, मत सुनना प्लीज़। दिस इज़ नॉट, आई वुड नॉट रिकमेंड इट, मत सुनो। ये गाना जो आज चार दीवारी ने निकाला है मत सुनना। अर्पित ब्रो चंडीगढ़ कब आना है? जब चंडीगढ़ फरीदाबाद के पास हो जाएगा, जब चंडीगढ़ जाने के लिए 15 मिनट लगेंगे, जब चंडीगढ़ में लोग मुझे पसंद करने लगेंगे। 1 2 3 लेब्रॉन विद द हीट, 4 5 6 आर केली लाइक्स किड्स। भाई मैं 17 का हूँ, मेरी बहन 23 की है। मेरी बहन की फ्रेंड्स मुझे बहुत अजीब तरीके से टच करती है, दोस्तों से कहा तो बहन के लोड़े लड़का है तू। स्केचिंग विद वंश, स्केचिंग विद वंश, आ जाओ हम देखते हैं भाई। स्केचिंग विद वंश, स्केचिंग विद वंश कह रहे हैं कि इनकी एक 23 साल की बहन है जिनके दोस्तों ने उनके साथ में गलत चीज़ें करी हैं। या एम आई ऑडिबल? पंच भाई आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बुरा है, एंड आई कैन से दैट ब्रो कि
आपकी कला में ना वो चीज़ झलकती है कि भाई आप बहुत पेन से ये सब चीज़ें बना रहे हो, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड आउटलेट. कीप डूइंग व्हाट यू डू ब्रो, बट इट्स नेवर टू लेट टू आस्क फॉर हेल्प. कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई. आई थिंक आर्ट बनाने के लिए ये चीज़ें बार बार सहने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रो. मतलब आई गेट इट ब्रो, बट इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट भाई. आई थिंक यू शुड लेट योर पेरेंट्स नो दैट दिस इज हैपनिंग, एंड यू शुड लेट योर सिस्टर नो. जस्ट बिकॉज लोगों ने ना वैलराइज कर रखा है कि अगर आप ट्रॉमाटाइज्ड आर्टिस्ट हो तो आपका काम बहुत अच्छा होगा एंड एवरीथिंग, बट इट्स नॉट इट मैन. कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की. जेन्युइनली ब्रो, आई आई हॉलीडे होमवर्क से अच्छा है, बट बाहर कितना गंदा है वो भी तो देखो ना. आई कन्वेस्ड टू दिस गाय दैट आई हैड अ क्रश ऑन इन स्कूल. ही प्रपोज टू स्टार्ट एज फ्रेंड्स बट गिव्स ड्राई रिप्लाइज. व्हाट शुड आई डू? टेक द हिंट. थैंक यू दिग्विजय भाई. भाई आफ्टर हाउ मेनी सब्सक्राइबर्स विल यू डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम यूट्यूबर? ऑल्सो लव यू, यू आर माई फेवरेट ऑटिस्टिक यूट्यूबर. आई फील जिस दिन मेरे 400 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे यूट्यूब पे, उस दिन मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा. उस दिन मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा. अब 2000 हो गए, बोलो ना आई लव यू बैन की लोढ़ी. यू कांट एस्केप मी मित्रा. यार आप दिक्कत ये कि आप मेरा प्यार खरीदना चाहती हो. जो शगुन ले चुकी है. थैंक यू शगुन फॉर 5000 रुपीज मैन. आई लव यू शगुन. अप्रिशिएट योर अनवेवरिंग एफर्ट्स टुवर्ड्स बीइंग बेटर. लव योर ऑथेंटिसिटी. थैंक यू शगुन. बट यार इतनी ज़्यादा सुपर चैट देने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरे को बहुत गिल्टी फील होता है जब मेरे को इतने सारे पैसे मिल जाते हैं एक बारी में. मैं लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पैसे पैसे कमाने. मैं लाइव स्ट्रीम इसलिए करता हूँ क्योंकि ये एक समाज पे कटाक्ष है. मैं ये चीज़ करके दुनिया को दिखाना चाहता हूँ क्या ही हो रहा है. भाई हिलाते वक्त जलता है, क्या करूँ? बराबरी करो, जलो मत. ठीक है, जब मुठ मार रहे होते हो ना साइड में देखना बंद करो, बराबरी करो. साइड में देख के किसी और को मुठ मारते हुए देखते वक्त इट्स नॉट इट ब्रो. जैसे घोड़ा कैसे मुठ मारता है, जब घोड़ा मुठ मारता है तो उसके ऐसे लगे रहते हैं, है ना. घोड़ा मुठ मारते हुए ऐसे ऐसे नहीं देखता क्योंकि उसको पता है घोड़ा अगर मुठ मारते हुए इधर उधर देख लेगा तो वो हार जाएगा. घोड़े की तरह मुठ मारो ब्रो. भाई एक निकनेम सजेस्ट कर दे मेरे लिए. जेन्युइनली निकनेम सरील सरियल सौंप गया के लिए चैट एक निकनेम सजेस्ट कर दिया जाए. जल्दी से चैट चैट जल्दी से चैट 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 चैट. स्ट्रीम में जितने भी लोग हैं चैट हेलो चैट. जल्दी से सरियल के लिए एक निकनेम सजेस्ट कर दिया जाए. याद रखना इन्होंने सिर्फ 100 रुपए दिए हैं, सिर्फ 100 रुपए दिए हैं गाइस, सिर्फ 100 रुपए दिए हैं. तुम लोग और अच्छा कर सकते हो. आई नो हिंट चाहिए आप लोगों को. आप लोगों ने वो चीज़ मेरे से बुलवाई थी रिसेंटली. आप हिंट दे रहा हूं मैं. आई एम नॉट सेइंग कि आप वो बोलो.
आप वो कर सकते हो गाइस। बताओ या क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए इनका निकनेम, इनका निक नेम क्या होना चाहिए गाइस? अर्पित भाई 3 ईयर्स रुक जाओ यार, अभी उसका निकनेम रख रहे हैं यार। किसी ने ये चीज बोली है, JS पियानो म्यूजिक। क्यों बोला यार आपने? यार अगर आप लोगों को यही सब चीजें करनी है ना, मेरी स्ट्रीम पे मत आया। आई जस्ट डोंट लाइक इट यार, जेन्युइनली आई डोंट। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस यार? JS क्या है इसका नाम? JS इसका नाम क्या है? JS पियानो म्यूजिक। JS पियानो म्यूजिक बोल रहा है एन वर्ड। इसका चैनल देखते हैं। गाइस मेरे डिस्कॉर्ड को इग्नोर कर लो, हम JS पियानो म्यूजिक पे फोकस कर रहे हैं। इसने बोला था एन वर्ड निकनेम होना चाहिए। एनवर्ड बोला था इसने। यू नो वॉट, चलता है इतना ज़्यादा, चलता है चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा काम अच्छा है ना ब्रो, इसीलिए मैं इस चीज़ को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा काम अच्छा है। अगर तेरा काम अच्छा नहीं होता ना, तो फिर मैं ये सब नहीं करता। भाई हाउ डू यू थिंक डॉक्टर्स हैव अ कॉन्वर्सेशन? आई एम क्यूरियस एंड ऑल्सो से हाई हाई एंड बी क्यू टू एंड योर लवली। हाउ डू यू थिंक डॉक्टर्स हैव अ कॉन्वर्सेशन? आई मीन आई डोंट नो मैन,
फील लाइक जब डॉक्टर्स बात करते हैं ब्रो, आई फील यू नो जब डॉक्टर्स बात करते हैं वो नॉर्मली ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारे को बोलने में मतलब हंसी आती है। लैटरिन जा रहे हो? लैटरिन क्या जा रहे हो कि नहीं लैटरिन जाते हो? बढ़िया, उनके लिए वो इतना नॉर्मल हो चुका होता है। ये जोक कैसा लगा आपको? कैसा था ये जोक? हंसी नहीं आई? कांट बिलीव दिस यार, कांट फकिंग बिलीव दिस। हेलो बउआ भाई, यार तू मुझे एक बात बताया यार, तूने ही कैसा थंबनेल बनाया बहनचोद, किसी को मेरे जोक्स नहीं पसंद आ रहे बहनचोद, एकदम लंड एकदम। भाई मेरे को इतनी बारी लोग बोल रहे हैं ना अनफनी अनफनी, ये कैसा थंबनेल बनाया भाई तूने? भाई आगे से मैं अच्छे से लिखूंगा भाई। भाई बट तेरे को देखना भी तो होता है ना भाई, मतलब सिर्फ और सिर्फ थंबनेल की बात नहीं होती ना भाई, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट दे सी व्हेन दे, जब उनको लाइव स्ट्रीम देखनी होती है। उनको मेरा एक जोक नहीं पसंद आया है यार। अब भाई मैंने तो डाल रखा है ना डिस्क्रिप्शन में, थैंक यू बउआ। भाई तू मेरी बेइज्जती करवा रहा है भाई। नहीं भाई बउआ, ये दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल, ऐसे ही चलता रहा ना भाई मेरे को, आई कांट ब्रो, मैं सही में कह रहा हूं, मैं अपने आप को, मैं तेरे को पता नहीं है मैं क्या कर दूंगा, सही में कह रहा हूं। भाई नहीं भाई क्या कर दूंगा भाई, तू गुस्सा तो मत कर, कर ले भाई नहीं क्या भाई क्या बउआ, दिस इज बाहर नॉट निकल डन, क्या? आई विल नहीं, मीटिंग एट 1 o'clock इन द मॉर्निंग टुडे, ठीक दो है? भाई ये सब मत करो, थैंक मीटिंग 1 o'clock, यू भाई। 1 to 4, नहीं भाई 1 to 4, ठीक वन है? टू फोर नो फकिंग वे भाई। 1 to 4 मीटिंग डिस्कॉर्ड, ओके भाई डन, ठीक है? हाँ भाई भाई आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फोन ही नहीं काट रहा है बहन चोट, बताओ। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम पे अच्छे जोक्स होंगे, ठीक है? आई कांट बिलीव दिस यार, जस्ट कांट बिलीव दिस, पूरी लाइव स्ट्रीम चोट दी यार मेरी इन लोगों ने, इतने घटिया जोक्स, आई डोंट नो ब्रो व्हाट द फक यार, पूरी लाइव स्ट्रीम चोद दी यार इन लोगों की वजह से, मेरी पूरी लाइव स्ट्रीम चुद गई। भाई कौन एडिक्शन कैसे रोके? सीरियस विक्रम भाई, 100 रुपये दे के मुझसे पूछ रहे हैं कि पॉर्न एडिक्शन के बारे में वो क्या कर सकते हैं, और इनको सीरियस जवाब चाहिए, 100 रुपये दे के चाहते हैं कि मैं सीरियस आंसर दूँ। भाई मेरे हिसाब से भाई 1 घंटा डन, इट वॉज अ नाइस स्ट्रीम, बाय।